हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, व्हाई डू वी फॉल इल। देखो, इस चैप्टर में जो आपको बताया है वो है डिजीज़ क्या होती है, टाइप्स ऑफ डिजीजेस क्या होती हैं, डिजीजेस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ कौन सी है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए होती हैं, जैसे प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज़ कौन सी हैं, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ कौन सी हैं, वायरसेस से होने वाली डिजीज़ कौन सी हैं, हेल्थ क्या होती है, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर के अंदर बताया है। डिजीज़ को किस तरह से प्रिवेंट और ट्रीट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डिजीज़ क्या होती है? डिजीज़, देखो, कोई भी ऐसी कंडीशन जो हमारी हेल्थ को इम्पेयर करे या हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर इंटरफेयर करे किसी भी कारण से, उसको हम डिज़ीज़ कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि डिज़ीज़ एक तरह का डिसऑर्डर है, या हमारी जो बॉडी है या हमारा जो माइंड है उसके अंदर होने वाले फिज़िकल फिजियोलॉजिकल डेविएशंस हैं, जो न्यूट्रिएंशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकते हैं, और पैथोजेनिक इन्वेजन की वजह से भी हो सकते हैं, या और कोई कारण भी उनका हो सकता है। तो हम डिज़ीज़ को अगर डिफ़ाइन करेंगे तो करेंगे एनी कंडीशन विच इम्पेयर्स द हेल्थ और इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ड्यू टू वन और द अदर रीज़न इज कॉल्ड डिज़ीज़। अ डिज़ीज़ कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ डिसऑर्डर और डेविएशन इन द फिज़िकल फिजियोलॉजिकल और एनी अदर फंक्शन ऑफ द बॉडी और माइंड कॉज्ड आइदर ड्यू टू न्यूट्रिएशनल डेफिशिएंसी, जेनेटिक डिसऑर्डर, पैथोजेनिक इन्वेजन और एनी अदर रीज़न, वो कहलाता है डिजीज़। फर्स्ट पॉइंट आपका। देखो, पुराने टाइम में ऐसा माना जाता था, ऐसा बिलीव करते थे पुराने लोग कि जो डिज़ीज़ है उसका कारण है कोई डेमन्स या बैड स्पिरिट्स। तो इन डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, इनका ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योर करने के लिए कुछ स्ट्रेंज राइचुअल्स, डांस, चार्म्स, मैजिक या इवन आप कह सकते हो फिज़िकल टॉर्चर को भी अपनाया जाता था। ऐसा कहते थे, लोग मानते थे कि ऐसा करने से किसी के अंदर जो है जो भी बैड स्पिरिट्स वगैरह है वो डर कर भाग जाएंगी। नॉर्मल आप देखते भी होंगे टीवी मूवीज़ में, पुराने टाइम में ऐसा मानते हैं कोई कोई बीमार हो गया है या उसको कुछ ऐसी बीमारी हो गई है तो लोग ऐसा मानते थे कि उसके अंदर कोई ऐसा कोई आत्मा वात्मा टाइप आ गई है, तो उसको फिर वो जो वो ओझा वगैरह होते थे या जो कोई झाड़ फूँक करने वाले होते थे तो उनके पास ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता था, ऐसा पहले माना जाता था। लेकिन फिर एक ग्रेट फिजिशियन थे हिप्पोक्रेट्स, उन्होंने सबसे पहले डिजीज़ के बारे में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी। आज उनको हम फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ डिजीज़। देखो, डिजीज़ जो है उनको मेनली 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया गया है। एक तो कहलाती है कंजेनाइटल डिजीज और एक कहलाती है एक्वायर्ड डिजीजेस। पहले बात करते हैं कंजेनाइटल डिजीज क्या होती है। देखो, कंजेनाइटल डिजीज ऐसी डिजीजेस होती हैं जो बाई बर्थ ही प्रेजेंट होती हैं। ये बीमारियाँ या तो किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकती है या इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकती हैं या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है डेवलपमेंट के दौरान। ये ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो जनरेशन टू जनरेशन तक पास आउट हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, नाम सुना होगा आपने हीमोफीलिया, एक ऐसी बीमारी है अगर इसमें किसी को कोई कट लग जाए तो फिर उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती। कलर ब्लाइंडनेस, जहाँ पर जो लोग होते हैं जिनको ये बीमारी होती है वो ग्रीन और रेड कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। सीकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, ये कुछ कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हैं। सेकंड है एक्वायर्ड डिजीज। क्या होती है? देखो, एक्वायर्ड डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं जो कोई भी ऑर्गेनिज्म आफ्टर बर्थ एक्वायर करता है और ये इनहेरिटेबल नहीं होती, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन तक पास आउट नहीं होती। इनको अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक तो कहलाती है कम्युनिकेबल डिजीज, जिनको हम इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं, और एक कहलाती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिनको हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
तो पहले बात करते हैं हम कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज की। क्या होती हैं? देखो, कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं जो हमेशा कुछ पैथोजेंस के जरिए फैलती हैं। पैथोजेंस को हम डिजीज कॉजिंग या डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन पर ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। और जो ये कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं जो पैथोजेंस के जरिए होती है, तो इनके अंदर नंबर ऑफ पैथोजेंस इंक्लूड होते हैं। जैसे वो पैथोजेंस वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, विच आर यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, प्रोटोजोन हो सकते हैं, माइट्स, वॉर्म्स, कुछ भी हो सकते हैं वो। यहाँ पे प्लांट्स की भी बात की गई है, तो जैसे फंजाई, नॉन क्लोरोफिलस प्लांट कहते हैं उनको। फंजाई भी कितने ही तरह के एलर्जीज के लिए, स्किन डिजीज के लिए क्या होती हैं, रेस्पॉन्सिबल होती हैं। फिर आपको एक टॉपिक दिया है इन्होंने छोटा सा, इसमें बीच में पैथोजेनिसिटी क्या होता है। देखो, पैथोजेंस जो होते हैं वो अपने होस्ट को नंबर ऑफ वेज से हार्म पहुंचाते हैं। बहुत अलग अलग तरीके होते हैं जिनके जरिए पैथोजेंस जो होते हैं उनके होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे या तो उनके बॉडी टिश्यूज़ को डिस्ट्रक्ट करके, या उनकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन या पॉइजंस को रिलीज़ करके। अब जो पैथोजन की एंट्री होती है बॉडी में, उसको हम इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको पूछा भी जा सकता है डिफाइन इन्फेक्शन, तो डेफिनेशन आप लिखेंगे द एंट्री ऑफ द पैथोजन इन द बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन। अब जब भी कोई पैथोजन किसी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो वो पैथोजन क्या करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करवाता है, और तब तक मल्टीप्लाई करवाता रहता है जब तक कि वो इतना इनफ टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर ले जिसके की वजह से उस बीमारी के सिम्टम हमारी बॉडी में बनने लगे। तब तक क्या करता रहेगा, वो मल्टीप्लाई होता रहेगा, ठीक है, और अपने सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो टाइम पीरियड होता है जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैलाता है, और तब से लेकर, या हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है तब से लेकर जब तक कि वो फर्स्ट सिम्टम अपीयर ना कर दे तो डिजीज़ का, तो उस टाइम पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। जैसे क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड, अगर आपसे पूछें डिफाइन इंक्यूबेशन पीरियड, तो डेफिनेशन लिखेंगे हम द इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। अभी हम कम्युनिकेबल डिजीज की बात कर रहे हैं, डेफिनेशन देखी हमने किससे होती है ये देखा, इन्फेक्शन क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो आता है इसके अंदर मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कि जो ये कम्युनिकेबल डिजीज है वो कैसे फैलती हैं। देखो, कम्युनिकेबल डिजीज जो हैं वो डायरेक्टली भी फैल सकती हैं या इनडायरेक्टली भी ट्रांसमिट हो सकती है। अब डायरेक्टली जैसे ट्रांसमिट होगी अगर वो, तो हम कह सकते हैं जब भी कोई इन्फेक्शियस पर्सन के कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आया तो डायरेक्ट उसको बीमारी हो गई, जैसे कि इन्फेक्टेड मदर से उसके फीटस को हो गई, या एनिमल बाइट्स के जरिए फैल सकती है, कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट से वो हो सकती है। आपके सामने कोई कफिंग या स्नीजिंग कर रहा है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी हो सकता है ना। और एक इनडायरेक्ट, जहाँ पर कि कोई भी वैक्टर इंक्लूड हो या कोई कैरियर हो बीच में। जैसे कॉमनली एग्जाम्पल हम लेते हैं मलेरिया का, आप जानते हैं मलेरिया प्लाज्मोडियम से होने वाला एक डिजीज़ है ना। उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म एक तरह का प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम है, जबकि इस प्लाज्मोडियम को कैरी कौन करता है, एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इसका वेक्टर है। जब भी वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो किसी को बाइट करती है हेल्दी पर्सन को, तो उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट जो स्पोरोजॉइड्स होते हैं, जो इन्फेक्शियस फॉर्म है प्लाज्मोडियम की, उसको उसके अंदर डाल देती है, तो वो एक तरह से क्या हो गया, बीच में इंटरमीडिएट हो गया, वेक्टर या कैरियर हो गया, जो क्या कर रहा है, बीमारियों को फैला रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। पहला पॉइंट है डिजीज़ की डेफिनेशन क्या होती है, डिजीज़ फादर ऑफ मेडिसिन कौन है। उसके बाद मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ डिजीज़, टू टाइप्स हैं, कंजेनाइटल डिजीज़ डेफिनेशन और एग्जाम्पल, एक्वायर्ड डिजीज़ उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल, और वो फर्दर क्लासीफाइड है टू कैटेगरीज के अंदर, कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस, और नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस। फिर हमने देखा कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस क्या होती है, इन्फेक्शन क्या होता है, और इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।